नमस्कार दोस्तों, SRS एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं ईद के दिन रिलीज हुई सलमान खान की मूवी भारत के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अपडेट को लेकर। दोस्तों, 5 दिन का अपडेट आ चुका है, ट्रेड फिगर आ चुकी है संडे की, 5वें दिन की। तो चलो जानते हैं पहले दिन से लेकर 5वें दिन का। तो पहले दिन मूवी ने 42.30 करोड़ का कलेक्शन किया था, दूसरे दिन 31 करोड़ का, तीसरे दिन 22.20 करोड़ का, चौथे दिन 26.70 करोड़ का कलेक्शन किया था। जितने भी फिगर हैं मैं आपको प्रोड्यूसर फिगर बता रहा हूं। प्रोड्यूसर फिगर और ट्रेड फिगर में अभी तक 1 करोड़ का फासला दिख रहा है। तो 5वें दिन का जो अपडेट आया है वो 26 करोड़ का आया है। मैंने 27 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट दिया था, तो अगर प्रोड्यूसर फिगर पकड़ेंगे तो ये 27 करोड़ हो जाएगा। तो सब मिला के 5 दिन का 149.20 नेट कलेक्शन हुआ है दोस्तों, 149.20 करोड़ का कलेक्शन। तो अभी असली एग्ज़ाम जब भी किसी मूवी का होता है वो वीकेंड के बाद, यानी कि इस बार सलमान खान की मूवी का वीकेंड 5 दिनों का था, जो सबसे बड़ा वीकेंड माना जाता है। अब मंडे इसका असली एग्ज़ाम होगा। बहुत ही मिक्स रिव्यू है मूवी को। मूवी ने 5 दिनों में एक अच्छा खासा फिगर टच किया है, लगभग 150 करोड़ का फिगर टच कर लिया है। तो उस लिहाज से और पब्लिक का एक्सेप्टेंस मिक्स है। सलमान खान के फैन जा रहे हैं और माउथ पब्लिसिटी उतनी खास नहीं है, और उस हिसाब से मुझे लगता है इसका मंडे का जो कलेक्शन होगा वो 10 करोड़ के आसपास आएगा। अगर ऐसा होता है तो ये टोटल हो जाता है 159.20 करोड़ का, और इसका हम ग्रॉस पकड़ेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा 213.20 के आसपास का कलेक्शन हो जाएगा। और अगर इसमें हम ओवरसीज का कलेक्शन जोड़ते हैं 14 करोड़ पहले दिन का, तो इसका टोटल हो जाएगा 217.77 करोड़। थैंक यू।